अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर फोर्टीन बालोजी एफएससी पार्ट वन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर टेन किंगडम एनीमेलिया चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पेपर स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में से आप लोगों को टेन मार्क्स का पेपर आता है फोर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन है एट मार्क्स के टू मार्क्स के इसमें से टू एम हैं तो टोटल जो आपके मार्क्स बनते हैं इस चैप्टर में से वो हैं टेन तो चैप्टर का बच्चे नाम है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया ये बच्चे हमारे पास ऐसा चैप्टर है जो कि थोड़ा लेंथी भी है और टफ़ भी है क्योंकि इसमें से कंसेप्ट जो हैं वो कम हैं और याद रखने वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा है अगर आप लोगों की क्रैमिक पावर जो है वो ज़्यादा है।, है, है तो आप लोगों को इस चैप्टर को लर्न करने में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी होगी इसके अलावा बच्चे हम इस चैप्टर के कुछ की बना लेंगे ठीक है ताकि हमें क्या हो गुँ? इसको याद करने में भी आसानी हो और उसको समझने में भी आसानी हो ठीक है तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें से हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले बच्चे हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बायोल्ट्रिया ठीक है ये आज के टॉपिक है जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमारे पास है वॉट इज किंगडम एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर हम वो तमाम एनिमल जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं ठीक है ठीके? मतलब सिंपल से लेके कम्प्लेक्स तक जितने भी हमारे पास एनिमल्स आते हैं वो सारे हम किंगडम एनिमेलिया के अंदर डिस्कस करेंगे आप लोगों ने बच्चे फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था कि इस सिस्टम के तहत जो है वो फाइव किंगडम बनाए गए थे किंगडम वनैरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फ्रचाई किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। तो फर्स्ट फोर किंगडम जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं आज जो, लास्ट जो हम लास्ट किंगडम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है एनिमेलिया। तो सबसे पहले बच्चे हम देख लेते हैं कि एनिमेलिया किसे कहती हैं एनीमेलिया जो है बच्चे एक लैटिन वर्ड है जो कि एनीमा से निकला है और एनीमा का मतलब होता है ब्रीथ और सोल अब बच्चे इसके अंदर वो तमाम एनिमल्स आ जाते हैं जो कि सांस भी लेते हैं और उनके अंदर रूह भी होती है ठीक है तो इसी की बेस पर जो है वो इसका वर्ड निकाला गया है एनिमल ठीक है अब देखिए बच्चे इसका अगर हम लफ्जी मीनिंग देखते हैं तो इसको हम कहते हैं जानवर जानवर का क्या मतलब है कि जिसके अंदर जान होगी ठीक है जो कि आप देख सकते हैं कि ये सांस ले रहे हैं ठीक है ठीके? जब अगर उनकी डेथ हो जाती है तो आप ये कहते हैं कि उसमें से उनकी रूह निकल गई है उनकी जान निकल गई है ठीक है तो इसी की बेस पर जो है उसको वर्ड निकाला गया है एनिमल मीन्स ब्रीथ आर सोल ठीक है किंगडम एनिमेलिया कंसिस्ट ऑफ ऑल एनिमल विच आर सेलुलर अब अच्छे अगर आपसे कहा जाए कि आप एनिमल्स को डिफाइन करें या किंगडम एनिमेलिया को डिफाइन करें तो आपकी सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि ये हमारे पास क्या होते हैं सेलुलर होते हैं इनकी बॉडी जो होती है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है अब देखिए कि बच्चे कुछ हमारे पास एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि यूनि होते हैं लेकिन उनको हम किंगडम एनिमेलिया के अंदर नहीं रखते वो हमारे पास एक लैदा किंगडम है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा कहलाता है लेकिन जब भी आप लोगों ने किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस करना है तो इसकी सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है मल्टाइसेलुलर ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर जो है वो बनी होती है उसके बाद बच्चे इसकी सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स है कि ये डिप्लॉयड होते हैं इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डबल होती हैं ठीक है इसके अलावा जो है ये यूक्रियोटिक है इनके अंदर जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं क्योंकि आप लोगों ने इसकी टाइप डिस्कस की थी सेल के हवाले से कि हमारे पास और निगम कुछ होते हैं जो कि यूक्रियोटिक भी होते हैं कुछ प्रोक्रियोटिक भी होते हैं तो जो हमारे पास किंगडम एनिमेलिया है वो सारे के सारे क्या हैं यूक्रियोटिक हैं क्योंकि उनके अंदर जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है इसके अलावा ये बच्चे इन्जेस्टिव हैड्रोटॉप्स हैं इन्जेस्टिव हाइड्रोटॉप्स क्या करते हैं कि ये फूड अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं वहाँ इसको प्रॉपरली जो है वो डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट बना करके इसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं इसके अलावा बच्चे इसके साथ जो है वर्ड इस्तेमाल किया गया है हाइड्रोट्रॉफ का हैड्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास क्या होती है कि ऐसी ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए या अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं हेटरोट्रॉफ बोलते हैं इसके अलावा बच्चे इसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ये है कि डिवेल्प फ्राम टू डिफरेंट हेप्लॉयड कि इसके अंदर दो होते हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है वो डिप्लॉयड बनती है ठीक है तो ये बच्चे कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एनिमल्स को डिफाइन करते हैं इसके अंदर दो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि एनिमा का मतलब क्या होता है ठीक है और आप एनिमल्स को जो है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो एनिमल्स को आप डिफाइन डिफाइन की, की बेस पर कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा बच्चे कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह भी कर सकते हैं उसके बच्चे अगर हम इसकी के से बात करते हैं तो हम लोगों ने डिस्कस किया टू क्लासिफिकेशन भी और फाइव किंग वो हम ओवरऑल ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिस्कस करते हैं लेकिन चूंकि ये हम एनिमल्स को डिस्कस हैं तो एनिमल्स के अंदर भी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पाई जाती है उस टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बच्चे एनिमल्स को जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था पहला जो बच्चे इसके अंदर ग्रुप आता है वो है प्रोटोजोया जिनको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं ठीक है और दूसरा था हमारे पास मेटाजोया प्रोटोजोया हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म थे या ऐसे एनिमल्स एनिमल्स थे जो कि यूनिसेलुलर थे जिनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई थी बाद में बच्चे इन एनिमल्स को जो है वो सेपरेट करके एक सेपरेट किंगडम के अंदर जो है वो रख दिया गया था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसके बाद बच्चे हमारे पास से मेटाजोया और मेटाजोया के अंदर ऐसे एनिमल्स थे जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई थी मतलब मल्टाए सेलुलर थी तो उनको हम मेटाजोया कहते हैं और उनको हम किन के अंदर रखते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की है कि एनीमेरिया के अंदर वो तमाम ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि मल्टाइसेलुलर होंगे ठीक है तो ये जो हमारे पास प्रोटोस हुआ है ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है और जो हमारे पास मेटाज हुआ है ये किंगडम एनीमेरिया के अंदर आता है लेकिन वेरी स्टार्ट में जब एवोल्यूशन जो है हाँ वो स्टार्ट हुई तो ये हमारे पास टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट कर रहे थे ठीक है आहता आहिस्ता जैसे स्टडी एडवांस होती गई तो साइंटिस्ट ने जो है इनको सेपरेट किंगडम के अंदर रख दिया उसके बाद बचे हमारे पास फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अब देखिए कि बेटा जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको इंट्रोड्यूस किया था बाय रॉबर्ट विटेकर अब देखिए कि जो हमारे पास किंगडम एनिबेलिया है ठीक है इसके फर्दर सब किंगडम्स होते हैं मतलब एक तो किंगडम है और किंगडम को फर्दर डिवाइड किया जाता है ठीक है उसके अंदर हमारे पास जो है वो दो ग्रुप्स बनते हैं इसके अंदर सब किंगडम बनते हैं एक हमारे पास है पैरास और दूसरा हमारे पास है यू मेटाजोया ठीक है ये दो हमारे पास सब किंगडम है जिसके अंदर पैराजोया जो होते हैं ये बच्चे सिंपल होते हैं और जो यू मेटाजोया होते हैं इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है ठीक है अब यहाँ बच्चे क्लासिफिकेशन को आप लोगों ने रिकोगनाइज करना है कि इसके पूरे फ्लो चार्ट के अंदर आपको बताया गया है कि सबसे पहले जो है ये एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई है तो एनिमल्स की बच्चे जो एवोल्यूशन स्टार्ट हुई है मतलब ये इवॉल्व हुए हैं ये प्रोटिस्टा से हुए हैं आपने देखा पहले प्रोटिस्टा आए थे और प्रोटिस्टा के अंदर हम प्रोटोजोन भी डिस्कस करते हैं जो कि एनिमल लाइक होते हैं जिसका क्या मतलब है कि उनके अंसेस्टर जो हैं मतलब उनके जो आबाव दादाज है वो हमारे पास प्रोटिस्टा है ठीक है तो यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं कि लास्ट पर सबसे लास्ट पे आपको नजर आ रहा है कि ये प्रोटिस्टा है प्रोटिस्टा को फर्दर दो ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है एक हमारे पास है यू मेटाजोया और एक है हमारे पास पैरासोया ठीक है अब पैराजोया के अंदर जो है वो हमारे पास एक ही फाइलम आ जाता है जो कि पोरीफिरा है ठीक है और जो यू हुआ है इसके अंदर फर्दर दो क्लासिफिकेशन है एक हमारे पास है ग्रेड बाइलेट्रिया और एक हमारे पास ग्रेड रेडिएटा ठीक है रेडिएटा के अंदर भी फर्दर हमारे पास सिर्फ एक जो है वो फाइलम आता है जो कि हमारे पास कहलाता है नाइडेरिया ये बच्चे हम एनिमल्स के किंगडम को और फाइलम को डिस्कस कर रहे हैं ठीक है ये बेसिकली फाइलम है जो कि हम लोगों ने इनको वन बाय वन स्टडी करना है उसके बाद बच्चे बायलेट्रिया है तो बायलेट्रिया की फर्दर जो है वो तीन हमारे पास टाइप हैं एक हमारे पास ए सिलोमेट है ठीक है एक सीडो सिलोमेट है और एक सिलोमेट है ये तीन बॉडी कैविटी की बेस पर जो है वो बायलेट्रिया की ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिवाइड किया गया है ए सिलोमेट के अंदर फर्दर एक फाइलम आता है प्लेटी हेलमसिस ठीक है और सिलोमेट के अंदर आ जाता है नीमा इसी तरह बच्चे जो हमारे पास सिलोमेट है जिनके अंदर ट्रू कैविटी मौजूद होती है उनके अंदर हमारे पास आते हैं प्रोटिस्टोम्स और ड्यूटेरियोस्टोम ठीक है ये बच्चे हमारे पास सिलोमेट्स की फर्दर दो टाइप्स हैं डिटोरियोस्टोम और प्रोटिस्टोम्स ठीक है अब डिटोरियोस्टोम के अंदर फर्दर हमारे पास तीन आ जाते हैं एक हमारे पास है कॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा और अकैनोडर्मेटा ये हमारे पास डिटेरियो स्टोम है जो कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं प्रोटैरियोस्टोम्स के अंदर कितने आ जाते हैं हमारे पास एनिलिटा आ जाता है आथ्रोपोडा मुलस्का ठीक है ये तीन ग्रुप्स जो हैं वो आपके प्रोटेरियो स्टोम्स के अंदर आते हैं ये बच्चे एक पूरा फ्लो चार्ट है जिसके आप जिसके थ्रू जो है वो आप लर्न कर सकते हैं कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो है वो फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है ठीक है इनको बच्चे हम वन बाय वन स्टडी करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी कि इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनको किस बेस पर पहले रखा गया है और किस बेस पर जो है वो बाद में रखा गया है कैसी कैसी इनके अंदर एडवांसमेंट आई ठीक है वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले बच्चे हम देख लेते हैं सेकेंड इसके अंदर जो टॉपिक है वो है आपका ग्रेड रेडिएटा ग्रेड रेडियोटा के अंदर बच्चे ऐसे एनिमल्स होती हैं जिनके अंदर जो है वो रेडियल सिमिट्री पाई जाती है अब रेडियल सिमिट्री का क्या मतलब है कि ये हमारे पास ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सर्कुलर शक्ल में होते हैं सर्कुलर होती है जिस तरह एक गोल शक्ल होती है ना ठीक है सर्कल सा होता है वैसी इनकी जो है वो बॉडी होती है जिसकी बेस पर जो है उसको रेडियल सिमिट्री कहा गया है रेडियल सिमिट्री के अंदर जो है वो बॉडी पार्ट्स बच्चे ऐसे अरेंज हुए होते हैं कि वो अपने सेंट्रल एक्सिस के जो हाँ वो इर्द गिर्द अरेन्ज होते हैं ठीक है ठीके? और वो इस तरह बच्चे अरेंज हुए होते हैं कि अगर हम उनको कट करते हैं किसी भी साइड पे कट करते हैं तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं ठीक है मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि अगर आप एक सर्कल है एक सर्कल को आप कट करते हैं उनके सेंट्रल एक्सिस से ठीक है एक सेंट्रो पॉइंट होता है तो उस पॉइंट से हम अगर किसी भी साइड से कट करते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है वो दो इक्वल हाफ में होती है मतलब दो बराबर हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो जाती है तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं ग्रेड रेडिएटा सिंपली बच्चों मैंने आपको ये बात बताई है कि जो ग्रेड रेडिएटा है ठीक है इनकी रेडियस सिमेट्री है सर्कुलर फॉर्म में ये अरेंज होते हैं ठीक है इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अपने सेंटर एक्सिस के गिर्द जो है वो अरेंज होते हैं अगर आप लोग इनकी बॉडी को जो है वो कट करते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो सेंटर एक्स से अगर किसी भी साइड पे जो है वो डिवाइड की जाए तो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होती है तो इनको हम ग्रेट रेडीटा कहते हैं अब जो बचे इसके अंदर जो है वो दो इक्वल हाफ बनेंगे या दो बराबर हिस्से बनेंगे वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे मिरर इमेज का क्या मतलब है कि अगर इनको सेपरेट किया जाए तो वो आपको बराबर उनकी साइड नज़र नहीं आएंगी एक साइड दूसरी साइड पे होगी दूसरी साइड दूसरी साइड पे होगी ठीक है अब देखिए कि जब इनको ओवरलैप कर दिया जाता है तो ओवरलैप करके जो है वो एक मिरर इमेज देते हैं एक दूसरे के जो है वो बिल्कुल जो है वो सिमिलर होते हैं ठीक है थीके? तो इस वजह से इनको कहा जाता है कि जब भी इनकी बॉडी जो है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होती है तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं एग्जाम्पल में बच्चे इसके अंदर आ जाते हैं सी एनिमोन ठीक है animal, यू मेटाजो एनिमल्स हैं इसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आ जाते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इनको क्यों कहते हैं क्योंकि बच्चे इनकी डिवेलमेंटल प्रोसेस के अंदर जो है वो दो लेयर बनती हैं एक इसकी होती है एक्टोडर्म और एक इसके अंदर बनती है एंडोडर्म ठीक है वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे अभी आप लोगों ने यहाँ ये याद रखना है कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर दो लेयर्स पाए जाती हैं एक्टोडर्म और जो है वो एंडोडर्म इसके अलावा बच्चे इसके, इसके अंदर फाइलम आ जाता है नाइडेरिया नाइडेरिया की जो बच्चे सिमिट्री होती है वो रेडियल होती है सर्कुलर फॉर्म में जो है वो उनकी बॉडी एग्जिस्ट करती है ठीक है सेकेंड बच्चे इसके अंदर जो ग्रेड आ जाता है वो है ग्रेड बाइलेट्रिया ग्रेड बाइलेट्रिया के अंदर बाइलेट्रिया का मतलब है बाई मीन टू एंड लेट्रिया मीन साइड ठीक है इनके अंदर जो है ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जो कि बाइलेट्र सिमेट्री जो है वो शो करती हैं अब बायोलेट्र सिमेट्री क्या होती है इसके अंदर बच्चे जब भी एनिमल्स को डिवाइड किया जाएगा तो एक ही जो है इसके अंदर बॉडी जो होगी वो दो इक्वल हाफ में ऐसे ही डिवाइड होगी कि उनको एक ही प्लेन में कट किया जाए हम लोगों ने ग्रेट रेडी अटैक के अंदर क्या किया कि अगर हम उसको सेंट एक्सिस से किसी भी साइड पे कोई वन साइड नहीं है वन प्लेन नहीं है कि उसको किसी भी प्लेन पे डिवाइड कर लिया जाए तो वो दो इक्वल हाफ पे डिवाइड हो जाते हैं लेकिन जो बाइलेट्रिया के एनिमल्स हैं उनको एक ही प्लेन में इस तरह कट किया जाता है कि वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए जैसे बच्चे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो ह्यूमन बियंगस की ह्यूमन बियंग्स को अगर आप पेड़ से कट करेंगे तो पेड़ कट करने से क्या होगा आप दो आपको दो इक्वल हाफ़ मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे एक साइड पे आपके पास हेड होगा और दूसरी साइड पे आपके पास क्या होंगी टांगों वाला पार्ट होगा तो इस वजह से क्या किया जाता है कि उनको एक प्लेन में अगर कट किया जाए एक प्लेन की इसकी क्या होगी वो वर्टिकल होगी मतलब अगर हम इसको इस तरह कट करें कि एक जो है आंख ठीक है वो एक साइड पे दूसरी आंख जो है वो दूसरी साइड पे हो इसी तरह नाक को हम इस तरह कट करें कि नाक का एक पार्ट जो है हाँ वो इधर हो और एक पार्ट जो है वो दूसरी साइड पे हो ठीक है तो इस सिमेट्री को हम कहते हैं कहते हैं ग्रेड बाइलेट्रिया ठीक है तो आप लोगों ने दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि ग्रेड बैटरियल के अंदर हम किसी भी साइड पे जो है वो डिवाइड uh, करके या कट करके उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं लेकिन ग्रेड बायट्रिया के अंदर हम क्या करते हैं एक ही प्लेन के अंदर जो है उसको कट करते हैं जो कि उसको दो इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड कर देती है इन दीज एनिमल्स राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड एंड देयर इज डिस्टिंक्ट इंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड आप देखिए बच्चे ये ऐसे एनिमल्स होती हैं जिनके अंदर आप प्रॉपरली बता सकती हैं कि ये इसकी राइट साइड है या इसकी लेफ़्ट साइड है जैसे आप लोग अपनी बॉडी के अंदर बता सकती हैं कि आपका लेफ्ट बाजू है या आपका राइट बाजू है तो ये आप प्रॉपरली जो है इसको जो है डिस्टिंगश कर सकते हैं इसके अलावा बच्चे इनके जो एंड है इंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड अब ये जो आपका हेड वाला हिस्सा होता है ठीक है वो इंटीरियर एंड कहलाता है वो भी आप प्रॉपरली बता सकते हैं ठीक है इसी तरह पोस्टीरियर एंड है जो कि टांगों वाला हिस्सा होता है ठीक है या पिछला हिस्सा इसको कहते हैं तो वो भी आप प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। ठीक है दे आल्सो हैव डोर्सल वेंट्रल सर्फेस यहाँ बच्चे दो बातें मैंने डिस्कस की हैं, एक हमारे पास है इंटीरियर सर्फेस जो कि हेड वाला पोर्शन होता है और पेस्टीरियर एंड जो कि आपके टांगों वाला पोर्शन होता है दूसरी बात इसके अंदर ये है एक होती है हमारे पास डोर्सल सरफेस और एक उसकी होती है वेंट्रल सरफेस ठीक है डोर्सल का बच्चे मतलब होता है बैक बोन मतलब जो आपका कमर वाला हिस्सा होगा वो डोर्सल कहलाएगा और वेंट्रल कहते हैं बच्चे एबडोम को ठीक है मतलब जो आपका प्ले, पेट वाला हिस्सा होगा वो आपकी कौन सी सर्फेस होगी वेंट्रल सर्फेस होगी ठीक है तो इंटीरियर एंड को भी याद रखना है पोस्टीरियर एंड इसी तरह और वेंट्रल सर्फेस को भी आपने याद रखना है एग्जाम्पल बच्चे बाइलेट्रिया की आ जाती है हमारे पास प्लेटी हेलमेंसिस निमाटोडा एनीलीडा मुलस्का आथ्रोपोडा अकाइनोडर्माटा हेमिकोडाटा और लास्ट पे कॉडेटा जिससे आप लोग बिलोंग करते हैं ठीक है ये बच्चे हमारे पास फाइलम है जो कि ग्रेड बाइलेट्रिया से बिलोंग करते हैं ठीक है आप लोगों ने देखा कि रेडियल के अंदर क्या था सिर्फ एक ही था हमारे पास नाइडेरियन ठीक है नाइडेरियन फाइलम जो है वो किससे बिलोंग करते हैं वो आपके ग्रेड रेडियल केसेस के साथ जो है वो बिलोंग करते हैं लारवी ऑफ अकाइनो है बाइोलेट्रल समेट्री अब अच्छे इसके अंदर एक एक्सेप्शनल एक केस आ जाता है स्पेशल केस है कि जो अकाइनो है ये दोनों तरह की सीमेट्री शो करता है रेडियो समेट्री भी करता है और बायोलेट्रियल भी करता है पहले जो हम लोगों ने किंगडम डिस्कस किए फाइलम डिस्कस किए हैं वो एक तो रेडियो सीमेट्री शो कर रहे थे और दूसरे हमारे पास क्या थे वो बाइलेट्रल सट्री शो कर रहे थे लेकिन अकाइनो एक ऐसा बच्चे स्पेशल केस है जिसके अंदर दोनों ही सिमेट्री पाई जाती हैं वेरी इंपॉर्टेंट एम इसको जो है वो हाईलाइट कर लीजिएगा वो कैसे कि बच्चे जब ये अकाइनो डरमेटा बन रहे होते हैं ठीक है मतलब ये डिवेल्प हो रहे होते हैं तो ये कौन सी हमारे पास जो है वो शो करते हैं ये रेड सिमेट्री जो है वो शो करती हैं ड्यू टू तो स्पेशल मोड ऑफ़ लाइफ ठीक है कि मतलब इसके अंदर जो है जब ये एडल्ट कंडीशन में होते हैं तब ये रेडियल मिट्टी शो करेंगे और जब ये डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर होंगे तो ये बाइलेटरस मिट्टी करेंगे मतलब जब अभी लार्वा बन रहा होगा लार्वा डेवलप हो रहा होगा तब बायोलेटरल होगी ठीक है जब ये अडल्ट हो जाएंगे अडल्ट में चेंज हो जाएंगे तो ये रेडियल मिट्टी को जो है वो शो करेंगे ठीक है इसके अंदर बच्चे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं ट्रिपलो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है कि इनकी जो बॉडी होती है वो तीन लेयर से बनी होती है एक्टोडम मीजोडम और एंड्रोडम ठीक है इसी वजह से हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं यहाँ बचिए आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं किसकी रेडियल सिमिट्री की ठीक है और बाइलेक्ट्रो सिमेट्री की रेडियल सिमिट्री के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि इनकी बॉडी के अंदर एक सेंट्रल एक्सिस होता है इन सेंट्रल एक्सिस के गिर्द क्या होते हैं इनके ऑर्गन्स और इनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं ठीक है थीके? अब देखिए कि इस की बॉडी को अगर हम इस तरफ से कट करें तब भी आपके पास क्या आएंगे दो हिस्से आएंगे क्योंकि दोनों साइड पे सेम ऑर्गेनाइजेशन पाई जा रही है अगर आपको इस साइड पे इसको कट करेंगे तब भी आपके पास दो इक्वल हाफ आ जाएंगे अगर आप इसको इधर वही साइड से कट करेंगे तब भी आपके पास है जो है वो दो इक्वल हाफ में बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाएगी ये वजह हमारे पास सी एनिमोन है ठीक है जो कि रेडियल सिमेट्री को शो करता है याद रखना है कि आप लोगों ने जो कट करना है वो सेंट्रल एग्जिट से करना है ठीक है इसी तरह बच्चे ये हमारे पास है बायोलेट्रल जिसके अंदर जो है वो आपको प्लेनेरिया की एग्जाम्पल दी गई है ठीक है इनकी बॉडी को अगर हम इधर से कट करेंगे तो आपके पास जो है वो इक्वल हाफ में बॉडी डिवाइड नहीं होगी अगर आपको आप इसको इस प्लेन में डिवाइड करेंगे तो आपके पास दो बराबर हिस्से आ जाएंगे ठीक है जितनी चीज़ें यहाँ होंगी उतनी ही चीज़ें जो है यहाँ होंगी ठीक है तो ये बच्चे जो प्लेनेरिया होता है इस तरह मैंने आपको ह्यूमन की भी एग्जांपल दी है तो इसको भी आप इसी तरह कट करेंगे तो आपके पास दो बराबर हिस्से जो हैं वो आ जाएंगे उसके बाद बच्चे हमारे पास है ग्रेड बायोट्रिया की जो है वो क्लासिफिकेशन आपको दी गई है इसके अंदर जो है वो एनिमल्स जो हैं वो कैविटी की बेस पर जो है वो डिवाइड किए गए हैं कि जिनके अंदर कैविटी मौजूद होती है और किन के अंदर कैविटी मौजूद नहीं होती ठीक है और किन की अंदर कैविटी मौजूद है लेकिन वो फॉल्स है ठीक है प्रॉपर नहीं है तो वो हमारे पास कौन कौन सी एनिमल्स हैं कैविटी की बेस पर एक हमारे पास है ए सिलोमेट ए का मतलब है विदाउट एंड सिलोमेड सील कैबिटी को कहते हैं ठीक है थीके? तो वो एनिमल जिनके अंदर कैविटी मौजूद नहीं होती है उनको हम ए सिलोमेड कहते हैं सीडोसिलोमेड वो एनिमल्स होते हैं सीडो का मतलब होता है फॉल्स और सिलोमेट कैविटी को कहते हैं ठीक है थीके? तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर फॉल्स कैविटी पाई जाती है उनको हम सीडोसिलोमेट कहते हैं इसी तरह आपके पास आते हैं सिलोमेट ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ट्रू कैविटी मौजूद होती है उनको हम सिलोमेट कहते हैं और ह्यूमन बींग भी बच्चे क्या हैं सिलोमेट है क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर और जो है वो एक डिस्टिंग कैविटी जो है, है मौजूद होती है क्लियर ये था बच्चे आज का लेक्चर हूँ सो आपको समझ आ गया होगा आज के लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है इनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है आप लोगों ने जो है इनको अच्छे से देखना है इसकी क्लासिफिकेशन को ठीक है और उसको जो है हाँ वो लर्न भी करना है ओके बच्चों अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो मच